नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहडोल संभाग का एकमात्र कुशा भाऊ ठाकरे जिला अस्पताल डायलिसिस सेवाओं के मामले में प्रदेश में नंबर वन पर है। एक माह में कुल 312 डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रदेश में पहला स्थान अर्जित किया है। आपको बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में संभाग के उमरिया, अनूपपुर, शहडोल जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के कोरिया एवं जनकपुर के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सेवाएं अनवरत प्रदान की जा रही है। शहडोल संभाग के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय शहडोल संभाग के तीनों जिलों अनूपपुर, उमरिया एवं शहडोल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जिले कोरिया एवं जनकपुर के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सेवाएं अनवरत प्रदान कर रहा है। गत दिवस स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रभुराम चौधरी एवं अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, आयुक्त डॉक्टर सुदाम पंडारीनाथ खाड़े, मिशन संचालक प्रियंका दास द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर समीक्षा वर्चुअल माध्यम से की थी। भोपाल से हुई वर्चुअल माध्यम से हुई समीक्षा में जिला चिकित्सालय शहडोल को एक माह में कुल 312 डायलिसिस करने पर प्रदेश में पहला सबसे अधिक डायलिसिस सुविधा देने वाला शहडोल का कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल बना हुआ है। जिला चिकित्सालय को आईसीआईसी बैंक द्वारा 3 डायलिसिस मशीनें और रेडक्रॉस द्वारा 1 मशीन स्थापित कर मरीजों को बेहतर से बेहतर डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही है। वर्तमान डायलिसिस यूनिट के लिए वर्तमान में एक आरओ प्लांट अलग से लगाया गया है। साथ ही पानी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी भी रखी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस परिहार का कहना है कि उनका और उनकी टीम का संकल्प है कि जिला चिकित्सालय में आने वालों मरीजों को सभी प्रकार की जांच एवं चिकित्सकीय सुविधाएं बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सके। अपना जिला अस्पताल अव्वल आया है सर, इस पे देखिए, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम जिला चिकित्सालय शहडोल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी जब अभी माननीय मंत्री जी ने विगत दिवस NIC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जब हमें भी नहीं पता था कि हम किस स्थान पे हैं, जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और हमारे पूरे MP में जिलों की रैंकिंग हुई, तो अब हमें भी पता चला कि शहडोल जिला अस्पताल पूरे प्रदेश में नंबर वन है। तो ये हमारे लिए खुशी और गर्व दोनों की बात है कि हम बहुत ही सुविधाओं में हम इजाफा कर रहे हैं। उस बैठक में माननीय मंत्री जी, आदरणीय प्रभुराम चौधरी साहब, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव आदरणीय मोहम्मद सुलेमान साहब, आयुक्त स्वास्थ्य आदरणीय सुदामा खाणे साहब और हमारी MD NHM प्रियंका दास मैडम और सभी डायरेक्टर और सभी अधिकारी भोपाल से NIC के माध्यम से जुड़े थे और सभी जिलों की रैंकिंग चल रही थी। तो जिला चिकित्सालय शहडोल में आप लोगों को भी पता है कि जब मैं सिविल सर्जन बना था तब यहाँ एक मशीन थी मात्र, एक बिगड़ी पड़ी थी, और आज की कंडीशन में हम 7 मशीनों से काम कर रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात है। हमने 3 मशीनें CSR मद से, मतलब ICI ने दी है, ICI बैंक के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं। एक मशीन दानदाताओं ने और रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दी थी पिछले साल, और 2 मशीनें जो ख़राब थी उसको हमने बनवा लिया था। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम 7 मशीनों पर काम कर रहे हैं। एक मशीन हमने स्टैंड बाय रखी है, 6 मशीन पर एकदम लगातार काम हो रहा है। और हम पिछले महीने हम 312 डायलिसिस की थी। डायलिसिस करने में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है पानी की, क्योंकि पानी बहुत लगता है। एक मरीज को 1200 लीटर एक डायलिसिस में पानी का खर्च है, और अब जैन आप देख रहे हैं कि यहाँ वाटर लेवल गर्मी में काफ़ी कम हुआ, और बीच में हमें एकदम से लगा कि डायलिसिस बंद हो जाएगी। रातों रात हमने पाइप, मतलब PHE इंजीनियर को बुला के दिखाया, और जो बोर था उसमें उनके कहने पर हमने 40 फीट पाइप डाला, उससे भी पानी नहीं आया। तो फिर दूसरे दिन 80 फीट और पानी पाइप डलवाई, फिर एक बोर को नए से कनेक्शन किया, 2000 लीटर की एक टंकी की व्यवस्था की कि हमारे डायलिसिस मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनको बिल्कुल उनका जीवन डायलिसिस पर टिका है। अगर एक भी दिन डायलिसिस नहीं होगा तो उनके जीवन में खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वो पानी की व्यवस्था की। एक आरओ प्लांट लगा था 500 लीटर का, 500 लीटर का चूँकि मशीनें बढ़ गईं तो स्टेट से हमने प्रयास करके NHM के माध्यम से एक 500 लीटर का और आरओ प्लांट लगाया। तो आज की डेट में हमारे पास 2 आरओ प्लांट हैं,
पानी हमने दो जगह से कनेक्ट किया हुआ है, दो बोर से, एक इधर से एक पीछे मटर। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।